नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उनके द्वारा निर्मित किए गए भवन निर्माणों को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। किरियाग्राम में मोहम्मद शमीम के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही एसडीएम नमः शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में की गई। खजरी में मोहम्मद शमीम द्वारा किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया। माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दूसरी कार्यवाही में तहसील आधारताल अंतर्गत ग्राम चांटी के खसरा नंबर 130/2 में बना लेंटर युक्त दो मंजिला भवन के 86 वर्ग फुट के अवैध रूप से बने हिस्से को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान मौके पर एडिशनल एसपी अमित कुमार, एसडीएम आधारताल ऋषभ जैन, सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर, सीएसपी आधारताल अशोक तिवारी, थाना प्रभारी मोड़ाताल, हनुमानताल, भेड़ाघाट, मदन महल और ओमती, तहसीलदार राजेश सिंह, दिलीप चौहान, नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल, नगर निगम से सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी सागर बोरकर, दल प्रभारी उमेश सोनी, आसान खान, नरेंद्र कुशवाहा, मुकेश पारस और अतिक्रमण की पूरी टीम मौजूद रही। संजीदा की पत्नी शमीम खान के द्वारा खजरी क्रिया बाईपास के पास ग्राम पंचायत से मात्र 3600 स्क्वायर फीट पर निर्माण की अनुमति ली गई थी और मौके पर निर्माण 5200 से अधिक स्क्वायर फीट में पाया गया था। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया और आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से माफिया दमन दल के तहत संजीदा भी एवं शमीम खान के ऊपर कार्रवाई की गई और मौके पर लगभग 70 लाख रुपए का अतिरिक्त अवैध निर्माण गिराया गया। आज जिला प्रशासन जबलपुर, एसपी महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशन शमीम कबाड़ी माफिया के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि संयुक्त रूप से नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस का हमला, इनके जो भी अवैध निर्माण हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और भी इनके जो है प्रॉपर्टी चिन्हित किए जा रहे हैं और आगे और भी जो है माफिया कार्रवाई एसपी महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जारी। आज जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में माफिया दमन दल के तहत खजरी खिरिया बाईपास के पास 3 से 4 कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहली कार्रवाई जो की गई है वो शमीम कबाड़ी के ऊपर की गई है, जिसके द्वारा मात्र 3600 स्क्वायर फीट की परमिशन ली गई थी और 5200 स्क्वायर फुट से अधिक ज़मीन पर अवैध ढंग से निर्माण किया गया था, जिसे पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले के द्वारा जमींदोज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अबरार कबाड़ी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसके द्वारा नाला मद की शासन की भूमि पर अवैध ढंग से निर्माण करके गोदाम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त आधारताल क्षेत्र में शमीम कबाड़ी का एक और अतिक्रमण पाया गया था, जिसके ऊपर एसडीएम आधारताल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। थैंक यू। लगभग कितनी जमीन है सर? अभी जो मौके पे अबरार भाई की जो ज़मीन निकाली गई है वो लगभग 5000 स्क्वायर फीट है, जिसकी अभी वैल्यूएशन किया जा रहा है। और शमीम कबाड़ी का जो निर्माण था वो उनकी स्वयं की ज़मीन पे था, मात्र शासन से निर्धारित परमिशन है उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई। थैंक यू।